हो गए 314 दिन, 14 दिन हो गए हैं जो ये हम बैठे हैं। क्या सभी बेवकूफ़ बैठे हैं जो कभी बोलते हैं कि यहाँ पर बोरियाँ भर के पैसे मिलते हैं, ये मिलते हैं, कोई ये खा रहा है, कोई वो खा रहा है? क्या या तो कोई कोई दिखाई पकड़ के गए, ये खा रहे हैं, ये चंदा खा रहे हैं, या वो खा रहे हैं, या ये ऐसे गवर्नमेंट ये हम लोगों को उखाड़ने के लिए, हमारे धरनों को उखाड़ने के लिए ये प्रोपेगंडे कर रहे हैं क्या? कि हमें तो यही नहीं समझ लगती। आज 314 धरने दिन हो गया है, सरकार ने कोई जून सकती है, ठंड की मौसम है, असं इन्नी दूर तो आगे इतने बैठे हाँ, क्योंकि साड़ी कोई परेशानी नहीं सुन रहा है। ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਕੋ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲੇ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਕੋ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਭੀ ਸੇ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਮੈਂ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੇ। ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 314 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ जो ये हम बैठे हैं, क्या सभी बेवकूफ़ बैठे हैं जो कभी बोलते हैं कि यहाँ पर बोरियाँ भर के पैसे मिलते हैं, ये मिलते हैं, कोई ये खा रहा है, कोई वो खा रहा है? क्या या तो कोई कोई दिखाई पकड़ के गए, ये खा रहे हैं, ये चंदा खा रहे हैं, या वो खा रहे हैं, या ये ऐसे गवर्नमेंट ये हम लोगों को उखाड़ने के लिए, हमारे धरनों को उखाड़ने के लिए ये प्रोपेगंडे कर रहे हैं क्या? कि हमें तो यही नहीं समझ लगती कि ये जितनी हमारी मांगे हैं ये हमारी कोई सुन क्यों नहीं रहा है? ये हमारी मांगे क्या जो हैं वो हमने सीधा बोला कि जज बैठते हैं, तीन रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो अभी मौके पर हैं, वो उनको डिटेल कर दें, ये बैठेंगे तो हमें मंजूर है। ये कोई हमारी बात जो गलत है या हमारी जो धरने वाले कोई कमेटियों वाले जो भी फौजी हैं जितने भी, अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें कुछ पता हो तो चले बताए तो बताओ तो सही कि ये यहाँ पर गलत है। जब गलत है नहीं हम लोग तो फिर क्यों नहीं हमारी बातें मान रहे, सुन रहे? ये सरकारें जो हैं समय समय की सरकारें हर टाइम जो है फौजियों के साथ में, अभी तक जो नीचे वाले हैं JCORs के लिए, इनके लिए कभी किसी ने कुछ भी नहीं किया है। सब ऊपर बैठे बैठे वो खा रहे हैं, ऊपर वाले जो जो एक होती है कहावत कि मैं मेरे और मेरे अपने, उनके लिए बस है दुनिया। क्या दूसरे जो नीचे वाले हैं उनके लिए कोई नहीं सुनेगा बात? मैं तो यही से बस मेरे तो समझ नहीं लगती है। मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ कि क्या ये कोई हमारी सरकार कोई बात सुनेगी, हमारे ऊपर वाले सुनेंगे जो जिनके हम नीचे सबॉर्डिनेट रहे हैं? घर में भी होता है तो बाप जो होता है उसकी ड्यूटी होती है, भाई की ड्यूटी होती है कि नीचे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे भाई होते हैं, उनको प्यार करना, उनके पूरे हक देना, उनको उनके लिए मरना लड़ना। लेकिन ये हमारे उल्टा हमारे को खा रहे हैं तो हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है, क्यों नहीं हमारे हक दिए जा रहे हैं? तो हम तो ये बस यही मांग करते हैं। ठीक है सर। सत श्री अकाल, मैं सुबह मेरे हरबंस सिंह मोहाली जिला तहसील डेरा वसी पिंड बसल तो असी आई हाँ। अज 314 धरने दिन हो गया है, कि सरकार ने कोई जून नहीं सकती है, ठंड की मौसम है, असं इन्नी दूर तो आगे इतने बैठे हाँ, क्योंकि साड़ी कोई परेशानी नहीं सुन रहा है। साड़ी मोदी सरकार तो यही बेनती है कि साड़ी मंगा वो साड़ी मंगा पूरी की जा, असी सही सलामत अपने घर में जाके अपने बच्चे चाहिए। बाकी साड़ी ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।